हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश से ये आदेश जारी किया गया है। 4/4/2024 का ये आदेश है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्वाचन कार्य हेतु न लिए जाने के संबंध में पूरी अपडेट देखते हैं तो उपरोक्त विषय अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की सेवा स्कूल शिक्षा विभाग के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 30 अप्रैल तक मान्य की गई हैं। उक्त तिथि के पश्चात अतिथि शिक्षकों को मानदेय भुगतान करने का प्रावधान नहीं है, अतः निर्वाचन कार्य में अतिथि शिक्षकों को यथासंभव न लगाए जाने तथा यदि बाह्य कारणों से ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो कृपया उनकी ड्यूटी 30 अप्रैल 2024 तक ही निर्वाचन कार्य में लगाई जाए, आयुक्त द्वारा अनुमोदित। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर जो अतिथि शिक्षकों की सेवाएँ हैं वो 30 अप्रैल तक ली जा रही हैं, लेकिन इस आदेश को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि अभी अतिथि शिक्षकों को 12 महीने का जो मानदेय मिलना चाहिए या उनकी सेवा लेनी चाहिए उस संबंध में कोई भी अपडेट आई है, क्योंकि इस आदेश से तो यही लग रहा है कि जो सेवा है वो 30 अप्रैल तक मान्य है, उसके बाद किसी भी तरह का मानदेय का भुगतान का प्रावधान नहीं है, स्पष्ट रूप से इस आदेश में लिखा है। अतिथि शिक्षक से संबंधित और कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।